हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ और एक नई रेसिपी आज फिर आप सबके लिए। और डेली सुबह की यही परेशानी रहती है कि क्या टिफ़िन में दिया जाए। मेरा तो यही रहता है, पहले दिन से मैं सोचती रहती हूँ कि क्या दिया जाए। तो आज मैं इनके लिए बना रही हूँ दाल मखनी और उसके साथ में ज़ीरा राइस इन्हें दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे धो ले रही हूँ और धोने के टाइम पे आपने देखना है कि एकदम काला पानी पूरा निकल जाता है। जो साबुत उड़द की दाल होती है वो ली है मैंने 200 ग्राम और 50 ग्राम लिया है मैंने इसमें राजमा। तो इसे मैं अच्छे से धो लिया है मैंने और इसे मैंने ओवरनाइट भिगा कर रखा था दोनों को एक साथ ही। तो अब मैं इसे प्रेशर कुक कर ले रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह का टाइम में टिफ़िन बन रहा है। इस वजह से आप लोग अगर इसे लंच टाइम में बनाते हैं तो इसे ऐसे ही उबालिए एक कढ़ाई में या फिर किसी में भी, पर मुझे जल्दबाजी में ये बनाना पड़ रहा है सुबह का टाइम है इसलिए इतना टाइम नहीं है टिफ़िन बनाने के लिए। तो मैं इसे प्रेशर कुक कर रही हूँ। तो प्रेशर कुक में इसे 4 से 5 सीटियाँ दूंगी और मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं, आपकी इच्छा। पर मैं जब बॉईल करती हूँ तो मैं सिर्फ नमक दे के ही बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ पे सीटी हो गई है तो मैंने इसे 3 सीटी हो गई है और एक कम आँच पे मैं 1 सीटी दूंगी। तब इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसमें डालूंगी मैं लहसुन और लहसुन के साथ यहाँ पे मैं अदरक ले लूँगी, अदरक 1 इंच जितना, और साथ ही में 2 टमाटर। तो अदरक लहसुन और टमाटर मैं सब अच्छे से छील लेती हूँ और टमाटर की मैं ये फ्रेश टमाटर की प्यूरे इसमें दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे प्रेशर कुक हो गया था, कुकर ठंडा हो गया है, सीटी निकल गई है और अब हम इसे थोड़ा अच्छे से घोंट लेते हैं। ये दाल जितनी घुटेगी उतनी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से एकदम घोट लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं 4 सीटी के बाद बहुत ही एकदम नरम हो गई है दाल और एकदम अच्छे से मैश हो जा रहा है। आप जो दाल का जो गोल एक चम्मच रहता है ना उससे भी कर सकते हैं, पर जल्दबाजी टिफ़िन टाइम है तो फिर आप इसलिए ही मैं इसे ये पाव भाजी का जो मैशर है, आलू मैशर है, इसी से ही मैश कर ले रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी काम मेरा हो जा रहा है इसमें। और डेली रोटी सब्जी देना, मैंने क्या सब्जी दे डेली, और ये भी परेशान हो जाते कि डेली एक सब्जी और रोटी, तो इससे अच्छा वही दाल ही, आज दाल मखनी बना लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है, सुबह का टाइम है पर बना ही लेते। और इसमें मैंने तेल ले लिया है, तेल के साथ मैंने इसमें ज़ीरा दे दिया है और साथ ही में दे रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से इसमें भून लेना है, एकदम कम आँच पे इसे अच्छे से भून लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाए तब तक। और सुबह का टाइम इतना हेक्टिक हो जाता है ना क्योंकि यहाँ पे वेद का स्कूल है, वेद को उससे पहले रेडी करना रहता है, खिलाना रहता है। उठने में वो कोई परेशानी नहीं करता है, वो उठकर अपना आराम से खेलेगा, कुछ भी मैंने इसे गोद में नहीं लेना पड़ता है, ये एक दिक्कत नहीं है। पर जो खाना खिलाना है, बनाना है, आराम से उसे रेडी करना है, इसलिए वही बहुत हेक्टिक हो जाता है उस टाइम पे। और यहाँ पे मैंने 2 तरीके की मिर्ची दी है, लाल मिर्च का पाउडर दिया है, एक कश्मीरी लाल और एक जो नॉर्मल हम लाल मिर्च का पाउडर जो सब्जियों में डेली यूज़ के लिए डालते हैं वो दिया है। तो इससे कश्मीरी लाल इसलिए दिया है कि रंग इतना अच्छा निकल के आएगा और दाल का रंग जो है पूरा चेंज हो जाएगा। और साथ ही में थोड़ा सा धनिया जीरे का पाउडर मैंने इसमें दे दिया है अराउंड 1 टीस्पून के, और यहाँ पे 2 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च दी है और 1 टीस्पून जो नॉर्मल मिर्ची पाउडर हम खाते हैं वो दिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पे फ्रेश टोमेटो प्यूरी इसमें दे दी है और अब इसे थोड़ा अच्छे से पकने देते हैं फ्रेश टोमेटो प्यूरी को, जब तक तेल ना छोड़ दे और टमाटर अदरक लहसुन सब अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से पक गए हैं, 5 से 7 मिनट पकाया है मीडियम फ्लेम में। तो आप देख सकते हैं तेल छोड़ दिया है मसाले ने और टमाटर भी यहाँ पे अच्छे से पक गए। तो अब हम इसमें दाल डाल देंगे।
पर उससे पहले कसूरी मेथी मैंने 1 टेबल स्पून अराउंड दिया है, थोड़ा सा फ्रेग्रेंस के लिए, खुशबू के लिए और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे कसूरी मेथी भी इसमें अच्छे से घुल मिल गई है। तो अब डाल देते हैं दाल। तो दाल में मैंने कोई एक्स्ट्रा भी पानी नहीं डाला है, पर अब मैं इसके बाद डालूंगी। और मैं इसमें गरम पानी ही ऐड करूंगी, क्योंकि जो दाल है वो वैसे ही, ये दाल जो होती है उड़द की दाल जो होती है वैसी अक्की दाल, वो थिक हो जाती है बहुत जल्दी। तो अब मैं इसे जल्दी से मैश करने के लिए इसमें गरम पानी ही ऐड कर लूंगी कि वो जल्दी से बॉयल भी हो जाए और टेस्ट भी मेंटेन रहे। तो आपने इसे अराउंड 25 से 30 मिनट तक इसे कम मीडियम फ्लेम में पकाना है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ पहले जैसे मैंने कहा था कि जितनी दाल घुटेगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो 25 से 30 मिनट और लगेंगे इसे बनने में, पकने में अच्छी तरह, जो सारा फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं, तो 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट के बाद मैं इसमें मक्खन ऐड कर दे रही हूँ। मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून के अराउंड बटर लिया है। तो ये इससे ज़्यादा हैवी भी हो जाती है, मैंने ये जो उड़द की दाल है ना, बहुत वैसे खाने में बहुत हैवी भी रहती है। तो बस ये ऐसे ही पकती रहेगी। तो 10 मिनट हो गए और 20 मिनट हम इसे पकाएंगे। तो ये हो गया है यहाँ पे आफ्टर 20 मिनट के बाद, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से दाल घुट गई है और जितनी थिकनेस हमें चाहिए थी दाल में उतनी हो गई है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ता और बस यहाँ पे दाल फिनिश। और अब मैं इनका टिफ़िन भी पैक कर दूंगी। तो मैंने आज की जो दाल मखनी है बहुत ही टेस्टी बनी है। और एक बात जो आपने देखा कि मैंने कहीं भी नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने नमक पहले उबालने के टाइम पे ही ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने और कहीं नमक ऐड नहीं किया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, सर्व कर देती हूँ एक बाउल में। और आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, तो मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा मलाई वलाई देके थोड़ा डेकोरेट कर दिया है कि एक रेस्टोरेंट लुक आए।